बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सोशल लर्न। आज हम शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो पहला चैप्टर है ना, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन करता है फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को। तो हम आज एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वेज टू ग्रो मोर क्रॉप्स ऑन सेम लैंड। मतलब टॉपिक यहां पे क्या कह रहा है कि अगर जमीन का टाइप एक ही हो, जमीन जो हो वो फिक्स हो, जमीन का साइज एक ही हो, किसी व्यक्ति के पास फिक्स पार्टिकुलर जमीन हो, तो उस जमीन पे ज्यादा से ज्यादा फसल उपजाने के क्या तरीके हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम क्या समझाना चाह रहे हैं, टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक कह रहा है कि यदि किसी किसान के पास जमीन का आकार यदि क्या हो, फिक्स हो, तो उस फिक्स जमीन पे वो कितना फसल और किस तरीके से ज्यादा फसल उपजा सकता है। तो देयर आर ओनली टू वेज टू ग्रो मोर। देखो, किसी भी पार्टिकुलर फिक्स जमीन पे फसल उपजाने का दो तरीका है ज्यादा फसल उपजाने का। पहले तरीका का नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। पहला तरीका कौन सा है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एंड दूसरा है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। दूसरा आपका हो गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो देखो, हम कह सकते हैं देयर आर ओनली टू वेज टू ग्रो मोर। अगर ज्यादा फसल उपजाना है तो दो तरीका है जिससे हम एक ही जमीन पे किसान ज्यादा फसल उपजा सकता है। पहला का नाम है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम और दूसरे का नाम है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो ये दोनों होता क्या है, ये दोनों भी चलो जान लेते हैं। पहले व्हाट मींस मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल मतलब क्या हो गया, मोर देन वन क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड इन अ ईयर। अगर एक साल के अंतराल में, एक साल के अंदर कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक फसल का उत्पादन करता है, उसके पास जो भी जमीन है, तो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। द कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप्स इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड। अगर किसी व्यक्ति के पास एक ही जमीन है और साल भर में वो क्या करता है, एक से अधिक फसल उपजा रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा, दूसरा इधर क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसको हम क्या कहेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग मॉडर्न टूल्स या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट्स। अगर कोई क्या कर रहा है, खेती कर रहा है जमीन पे, और वो क्या कर रहा है, सारा का सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का, मॉडर्न टूल्स का प्रयोग कर रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। कंपैरिजन बहुत इजी हो गया। यहाँ पे हमने क्या कहा, मल्टीपल क्रॉपिंग में मोर देन वन क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, यहाँ पे क्या करें, क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स। तो दोनों टेक्निक है जिससे ज्यादा से ज्यादा फसल एक पार्टिकुलर जमीन पे प्रोडक्ट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब इन दोनों फार्मिंग्स को अडॉप्ट करके किसान ज्यादा से ज्यादा फसल उपजा सकता है। अब इन दोनों फार्मिंग्स के कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हमें अभी समझना है, और इससे क्लियर हो जाएगा कि कोई किसान जब खेती करता है तो वो मल्टीपल सिस्टम को अडॉप्ट करता है कि मॉडर्न फार्मिंग को अडॉप्ट करता है। अभी हम उसी चीज पे बात करने वाले हैं। तो चलो, मल्टीपल क्रॉपिंग के कुछ फीचर्स देखते हैं। इसका फीचर्स नंबर वन, इस पैटर्न में क्या करता है कि किसान जो होता है वो क्रॉपिंग सीजन को फॉलो करता है। क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, आप क्या कहो, क्रॉपिंग सीजन किसे कहोगे? क्रॉपिंग सीजन मतलब ऐसे, यहाँ पे क्या कह रहा है, मोर देन वन क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, जब एक साल के अंदर एक से अधिक फसल उपजा रहा है, इट मीन्स वो क्या कर रहा है, क्रॉपिंग सीजन वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एक किसान क्या करता है, इस क्रॉपिंग सीजन में तीन पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहला पैटर्न होता है रबी का, दूसरा होता है खरीफ का, और तीसरा होता है जायद का। रबी का मतलब होता है विंटर क्रॉप्स, ऐसा फसल जो ठंडे के दिनों में लगाया जाए, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए। खरीफ क्रॉप्स को हम कहेंगे समर क्रॉप्स,
और इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट क्रॉप्स, मतलब ऐसा क्रॉप्स जो क्या किया जाए, दो फसलों के बीच का जो समय हो ना, समय अवधि गैप, उसमें लगा ली जाए। सपोज दैट हम कहते हैं कोई किसान गेहूं का खेती कर रहा है, तो गेहूं जो है वो ठंडा में लगता है, तो इसको हम रावी क्रॉप्स कहेंगे। अब सपोज दैट कोई ककम्बर का खेती कर रहा है, तो फिर वो एक जायड क्रॉप्स में आएगा, क्योंकि वो उसका हार्वेस्टिंग और शोइंग पीरियड मुश्किल से एक से डेढ़ महीने में हो जाता है, दो महीने में हार्डली चला जाएगा, तो उसे हम जायड के लिस्ट में रखेंगे। तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट करेगा वो क्या करेगा, अपने एक साल के अंतराल में दो से तीन फसल को प्रोडक्शन करेगा। ये मल्टीपल का पहला फीचर है। चले दूसरा फीचर देखें। दूसरा फीचर में इरिगेशन मेथड की बात कर लेते हैं। जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट करेगा उसका इरिगेशन मेथड जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, मतलब वो पूरी तरीके से बारिश पे निर्भर होगा, बारिश पे ही निर्भर होकर क्या करेगा वो खेती करेगा, या फिर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड जो है ना सिंचाई करने का, उसे अडॉप्ट करेगा, पॉन्ड का हेल्प लेकर के, रिवर का हेल्प लेकर के वो सिंचाई को फॉलो करेगा। तो ये हम देख रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग का, हमने दूसरा पॉइंट देखा। अब आ जाओ तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हम चलो ले लेते हैं, मान लो सपोज दैट हम फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं, कि जो किसान फर्टिलाइजर वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है ना, वो फर्टिलाइजर सॉरी मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट कर रहा है, वो किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करता है। तो देखो इसमें फर्टिलाइजर में आ जाएगा उनका डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब घर में यूज होने वाला कचरा, वेस्ट होने वाला कचरा, या फिर ये भी कह सकते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट, खेती में जो कचरा रेली बच जाता है उसको ये लोग इस मेथड में खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो तीन फीचर हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग का, क्रॉपिंग सीजन देख लिए, इरिगेशन मेथड देख लिए और फर्टिलाइजेशन देख लिए। चलो और भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टूल्स के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो टूल्स के रूप में जब हम देखेंगे तो पुराना वही होज हो गया, ढल हो गया, दाव हो गया, कुदाल हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, मतलब खेती जो है ना पूरी तरीके से ओल्ड टूल्स का प्रयोग करके किया जा रहा है मल्टीपल सिस्टम में। या फिर अगर मान लो हम सीड की ही बात करते हैं, तो सीड के रूप में यहाँ क्या इस्तेमाल किया कर लिया जाता है, जो ओल्ड सीड होता है, पिछले साल का बचा हुआ जो अनाज होगा, बचा हुआ जो क्रॉप्स होगा, उसी को सीड के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। तो दो चार पॉइंट से ये बात क्लियर हो जा रही है कि अगर कोई मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट कर रहा है तो उसका ये सारा फीचर्स को वो फॉलो करता होगा। कोई किसान अगर मल्टीपल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग को अगर कर रहा है, तो वो इरिगेशन में पुराना टेक्निक अगर अडॉप्ट कर रहा है, मान लो बारिश पर निर्भर है, तो मल्टीपल फॉलो कर रहा है। अगर मान लो सपोज दैट वो घर में जो पड़ा हुआ कचरा है उसको यूज कर ले रहा है, गाय का गोबर यूज कर ले रहा है, तो फिर मल्टीपल क्रॉपिंग ही आ गया खाद के रूप में अगर वो यूज कर रहा है तो। अब मान लो सीड लगा रहा है तो पुराने साल वाला सीड लगा लिया, तो मल्टीपल क्रॉपिंग है। अब मॉडर्न फार्मिंग क्या है, देखो कोई व्यक्ति मल्टीपल क्रॉपिंग को अडॉप्ट करते हुए इस मॉडर्न फार्मिंग को भी अडॉप्ट कर लेता है साथ में, तो इसका पहले फीचर देखते हैं। क्रॉपिंग सीजन तो सेम ही होगा, खेती करेगा तो भाई ये तीनों पैटर्न तो फॉलो करेगा इसमें भी। हाँ, यहाँ ये सारा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर बात हम इरिगेशन की कर लेते हैं, तो इरिगेशन में क्या अडॉप्ट करेगा, अगर हम इरिगेशन मेथड को फॉलो करते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग में इरिगेशन में क्या अडॉप्ट करेगा, इरिगेशन में यहाँ पे आ जाएगा ट्यूबवेल्स आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, और इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया जाएगा इरिगेशन के लिए मॉडर्न फार्मिंग में। सपोज हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर ही हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये इस्तेमाल कर लेगा मॉडर्न फार्मिंग में। सपोज दैट टूल्स की बात करते हैं, तो टूल्स में आ गया आपका ट्रैक्टर्स हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, इन सब का प्रयोग करके कर लेगा खेती इसमें। अगर मान लो हम सीड्स का बात करें, तो सीड्स यहाँ पे चलता है HYV। HYV का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, मतलब ऐसा वो सीड्स जो यील्ड करे, प्रोडक्शन क्या करे, ज़्यादा दे, कॉमन सीड के कंपैरिजन में उसमें फसल क्या हो जाए, ज़्यादा उपजाया जाए, तो वो मॉडर्न फार्मिंग है। तो देखो आज का किसान ये टेक्निक फॉलो तो करता ही है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करता है, इसके कुछ फीचर्स को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये बन जाता है मल्टीपल और मॉडर्न को मिला करके एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेत में क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सकता है। तो अभी टॉपिक क्या चल रहा था, What are the ways to grow more crops on the same land? तो हम दो तरीका देख चुके हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, जिसका हमने मल्टीपल का बहुत सारा फीचर देखा, इसी का रिलेटेड मॉडर्न का भी हमने फीचर देखा, ठीक है। चलो अगले क्लास में देखते हैं फिर।